हम जहाँ मौजूद हैं, आप मेरे बाजू इस वृक्ष को देख सकते हैं। ये एक वृक्ष है, ग्राम गोंगला को जोड़ने वाला ये सड़क है। इस सड़क पर यहाँ पर पेड़ों को काटकर ब्लॉक कर दिया गया है। मैं बता दूं पूरा मामला, जिस तरीके से इस पेड़ को यहाँ पर छीलकर इसमें कुछ शब्द यहाँ पर लिखी गई है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि गोंगला ग्राम में कोई भी अगर यहाँ पर घुसता है बाहरी व्यक्ति, तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ये ग्रामीणों का फरमान है। बता दूं, जिस तरीके से देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में एक भय सा मंजर यहाँ पर निकल के आ रहा है। जिस तरीके से ये जो पूरा इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है, नक्सलियों की इलाका है, इस गोंगला जो मार्ग है, यहाँ हम बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पहुँचे हैं, मिनगाचल नदी को पार करके। मिनगाचल नदी भी उफान पर है, उसके बाद भी आखिरकार ये जो सच्चाई है, जो पूरे देश में आज तक देखने को नहीं मिली, उस सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से ये जो ग्रामीण खुले चुनौती दे रहे हैं लोगों को, अगर कोई ग्रामीण हमारे गांव में घुसता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। एक और सबूत आपको दिखाना चाहूँगा, विशाल कैमरे को इधर लाएंगे, कि जिस तरीके से ये जो पेड़ को, ये बड़ा सा वृक्ष है, इसे यहाँ पर काट दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये ग्रामीणों ने इस बड़े से वृक्ष को काटा है और इस रोड को ब्लॉक कर दिया है। कहीं ना कहीं एक भय का मंजर यहाँ पर देखता हुआ नज़र आ रहा है, कि जिस तरीके से जो हमारी पड़ताल, जो बंसल की टीम सुबह से निकली हुई थी आप तक सच्चाई लाने के लिए, मैं दिखा दूं इसके पीछे भी, पीछे लिखा हुआ है कोरोना वायरस के कारण गंगालूर जाना मना है। मतलब यहाँ से जो गंगालूर की दूरी है वो 7 किलोमीटर है। जिस तरीके से ग्रामीणों में ये खौफ है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि लोगों में कानून का भय नहीं है या प्रशासन का भय नहीं है? आखिरकार ये जो ग्रामीण है, ये इतनी बड़ी जो चुनौती दे रहे हैं, ये कैसे दे पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। चेतन कापेवार, बलसन न्यूज, ग्राउंड जीरो।